इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम काली लिनक्स में वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप काली लिनक्स यूजर्स हैं तो आपको इसका एडवांटेज मिलता है। वो इसलिए यदि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, फिर उसमें आप वर्चुअल बॉक्स आप इंस्टॉल करेंगे, फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअली आप रन करेंगे, तो उससे ये होगा कि आपका जो भी वर्चुअलाइजेशन के लिए मशीन्स आपने तैयार करी है उसकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं मिल पाएगी। यदि आप लिनक्स यूजर है या काली लिनक्स यूजर है तो आपको विंडोज़ के कंप्यूटर में बेटर परफॉर्मेंस मिल पाएगी। पहला एडवांटेज ये होता है यदि आप काली लिनक्स यूजर है तो। सेकेंड वन इज यदि आप काली लिनक्स यूजर है तो आपको अटैक लगाने के लिए एक काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस पर। आप जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस है आप वर्चुअली रन कर ले और एक्चुअल पीसी पर जो आपका काली चल रहा है उससे आप उस पर अटैक लगा सकते हैं। जबकि यदि आपने विंडोज़ पर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया है और उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक आप यदि परफॉर्म कर रहे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर, उसमें ऑलवेज ये होगा कि एक पीसी पर आपको काली लिनक्स ऑलवेज रन करना होगा वर्चुअली, जिससे कि अननेसेसरी आपका एक रिसोर्स यूज़ होगा, अननेसेसरी आपका प्रोसेसर और रैम यूज़ होगा। इसलिए मैं आपको प्रिफर करता हूँ कि आप एक्चुअल में काली लिनक्स को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद वर्चुअल पीसी आप क्रिएट कीजिए, वर्चुअल पीसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस इंस्टॉल कीजिए और एक्चुअल पीसी में जो आपका काली लिनक्स है उससे आप अटैक लगाइए। तो सबसे पहली जो कमांड है हमारी उसको हम परफॉर्म करते, तो जैसा आप देख सकते हैं तीन स्टेप में हमें इंस्टॉलेशन परफॉर्म करना होगा। पहली जो स्टेप है इससे हमारी रेपोजिटरी की की एड होगी, तो इस कमांड को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। टर्मिनल पर आके हमने इसे पेस्ट करा, आप मेरा टर्मिनल देख सकते हैं जो कि मैंने रूट यूजर से लॉगिन कर रखा है। यदि आप रूट यूजर से लॉगिन नहीं है तो हर कमांड के आगे आप सुडो लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने डब्ल्यूगेट कमांड का यूज करके दो रेपोजिटरी की हमारी काली लिनक्स में हमने इंस्टॉल किए। अगली कमांड में हम रेपोजिटरी ऐड करने वाले, तो आप जैसा देख सकते हैं एड रेपोजिटरी ऑफ दी वर्चुअल बॉक्स, इस कमांड से एक रेपोजिटरी वो हमारे काली लिनक्स में ऐड करेगा जिससे हम उसे इंस्टॉल कर पाएंगे। आगे हम चलते रेपोजिटरी आप देख सकते हैं ऐड हो चुकी है। अगली कमांड हम देंगे एपीटी अपडेट, इस कमांड से हमारी रेपोजिटरी अपडेट होती है। यदि काली लिनक्स में वर्चुअल बॉक्स की रेपोजिटरी आ गई होगी तो वो हमें बता देगा। जैसा आप देख सकते हैं कि वर्चुअल बॉक्स की रेपोजिटरी हमारे पीसी में आ चुकी है। अगली कमांड हमने दी एपीटी इंस्टॉल लिनक्स हेडर एन डीकेएमएस, इस कमांड से ये होता है कि आपके पीसी में लिनक्स का हेडर इंस्टॉल होगा और डीकेएमएस इंस्टॉल होगा। जैसा आप देख सकते हैं दोनों ही मेरे पीसी में इंस्टॉल है। फाइनल कमांड पर हम आते हैं एपीटी इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स, इस कमांड से ये होगा कि आपके पीसी में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा। तो एपीटी इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स, आपको इसे यस करना है। यस करते ही ये डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल कर देगा हमारे पीसी पर। जैसा आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस रनिंग में है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद एक्सटेंशन पैक आपको इंस्टॉल करना होगा, तो इसके लिए कमांड हो गई एपीटी इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स ETX पैक। सिंपल सी कमांड हमने दी एपीटी इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स -EXT -PACK, देन इंटर आप करें इसे, तो एक्सटेंशन पैक को वो इंस्टॉल करेगा। इस मैसेज को आपको ओके करना है, देन एक्सेप्ट करना है टर्म्स एंड एग्रीमेंट को। एक लोकेशन आप देख सकते हैं जहाँ से इसने एक्सटेंशन पैक को डाउनलोड किया है, वर्चुअल बॉक्स की ऑफिशियल ये रेपोजिटरी है जहाँ से ये डाउनलोड करके हमें दे रहा है। डाउनलोड होने के बाद हम इसे यूज कर पाएंगे। जैसा इसने हमें एक मैसेज दिया कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है आपका वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक। अब हम वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट करते, तो स्टार्ट करने के लिए आप एप्लीकेशंस में जाइए, आपको फेवरेट में वर्चुअल बॉक्स मिल जाएगा, इसे आप क्लिक कीजिए। यदि फेवरेट में नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए आप शो एप्लीकेशन पर आप जाइए और यहाँ पे आप सिंपल टाइप कीजिए वर्चुअल बॉक्स। यहाँ
तो वर्चुअल बॉक्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं विंडोज में भी इसी तरह से हमें वर्चुअल बॉक्स अवेलेबल हुआ था। टूल्स एंड डिटेल आप देख सकते हैं राइट पैनल में, टूल्स के नीचे अभी हमने कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट की नहीं है इसलिए अवेलेबल नहीं है। अब सबसे पहले हम एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते और आगे हम कंटिन्यू करते। सबसे पहले आपको जाना होगा न्यू पर। न्यू पर जाने के बाद आपको मशीन नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मशीन का नाम दे दिया Win7, जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने क्रिएट करा था। आप सेम विंडोज़ फैमिली के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स के इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम ऑप्शन जो विंडोज़ में थे यहाँ सेम ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे। वर्जन हम लेंगे Windows 7 64 bit। हम इसे नेस्ट करते हैं। नेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये 2 GB रैम यूज़ कर रहा है। हम 2048 इसे असाइन कर देते। एक वर्चुअल डिस्क हमसे क्रिएट कराया जा रहा है। अगेन वही 3 ऑप्शन हमें अवेलेबल हुए VDI, VHD, VMD के। मेरा ओपिनियन है कि आप VDI यूज़ करें। डायनेमिक साइज एंड फिक्स साइज, इस बार हम एक डायनेमिक लेते हैं और एक डेमो के लिए फिक्स भी हम क्रिएट करेंगे। तो डायनेमिक हम लेते हैं और इसकी जो साइज मैंने अभी दिए कुछ 40 GB दिए। जैसा कि आप देख सकते इसने जो फोल्डर क्रिएट करा है रूट यूजर के अंदर वर्चुअल बॉक्स VMs के अंदर Win7 और एक VDI इमेज वो क्रिएट कर रहा है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लोकेशन से हम क्रिएट करते हैं। तो लेकिन 40 GB की हमने इसमें डिक्स लगाई है। मैं आपको इस डिक्स को ब्राउज करके दिखा देता हूँ। तो Windows 7 के अंदर वर्चुअल बॉक्स Win7 आप देख सकते VDI जो इमेज है हमारी वो 2 MB की है ना। मैं आपको डिटेल्स प्रॉपर्टीज में भी दिखा देता हूँ। इसकी जो अभी यूज साइज है वो 2.1 MB है, राइट। अब एक मशीन और हम क्रिएट करते जिसे डायनेमिक साइज की बजाय हम फिक्स साइज देंगे। न्यू, न्यू के बाद हमने एक मशीन क्रिएट करी, इसको Win7 iPhone 2। सेम विंडोज हम लेंगे, सेम लोकेशन हम देते 64 bit Windows 7। इस पे जो साइज हम रैम की देंगे वो कितनी देंगे, 4 GB के करीबन। क्रिएट ए वर्चुअल डिस्क नाउ, इस बार हम VDI इमेज लेंगे और फिक्स साइज हम इसे देंगे। फिक्स साइज देने के बाद क्या होगा कि ये इमीजिएटली मेरी हार्ड ड्राइव का पर्टिकुलर साइज क्रैप कर लेगा। मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ इसलिए हमने यहाँ पर 2 GB साइज दी हुई है। क्रिएट आप इसे कीजिए। अब मशीन क्रिएट होने के बाद आप ज़रा देखिएगा, एक फोल्डर क्रिएट हुआ है, इसके अंदर एक VDI फाइल क्रिएट हुई है जिसका साइज आप देख सकते 2 GB है। यही अंतर है डायनेमिक और फिक्स साइज में। फिक्स साइज में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, जबकि डायनेमिक में आपको स्पीड थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन यदि आपके एक्चुअल PC में स्टोरेज कम है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपने 2 Windows PC क्रिएट करे। हम पहले PC को स्टार्ट करते और ज़रा देखते क्या इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिसे मैंने इसे स्टार्ट किया इसने हमें बोला सिलेक्ट द स्टार्टअप डिस्क, इट मीन्स इसके अंदर अभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हम इसे स्टार्ट तो कर सकते हैं लेकिन OS नहीं है जिसकी वजह से ये स्टार्ट नहीं होगा। हम इसे क्लोज करते। क्लोज करने के बाद यहाँ हमें एक वो मैसेज देगा कि आपके इस वर्चुअल PC में कोई बूटेबल मीडिया नहीं है इसलिए ये स्टार्ट नहीं हो सकता। हम इसे शट डाउन करते और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वर्चुअल मशीन के अंदर हम किस तरह से Windows 7 इंस्टॉल कर सकते हैं।